हमारे इस देश भारत में दो भारत बसते हैं। एक वो भारत है जो शहरों में रहता है, बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारी संपन्नता है और उसके साथ अपने जीवन को शाइनिंग इंडिया में एंजॉय करता है। और दूसरा भारत वो है दोस्तों जो गांव में रहता है और आज भी वहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और कभी कभी इस दूसरे भारत के लोगों को आना पड़ता है शहर में या शाइनिंग इंडिया। उनकी भी हालत बहुत ही गंभीर होती है, बहुत ही बदहाली के शिकार होते हैं वो। और उनकी हालत को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बयां किया था लॉकडाउन की उन तस्वीरों ने जो हमारे प्रवासी भारतीय मजदूरों की थी। इन दो भारत के बीच में असमानता की जो एक बहुत बड़ी खाई हो गई है, अगर इसे सही ढंग से और सही समय पर नहीं पाटा जाएगा तो बहुत सारी गलत चीजों को जन्म भी दे सकती है। आज एक ऐसी तस्वीर को मैंने देखा है जिसने मुझे ये सब सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों आप भी इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये तस्वीर आपको भी पूरी तरह से सोचने पर मजबूर करेगी। और अब बात कर लेते हैं इस बारे में कि ये तस्वीर हमारे सामने आई कैसे। आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन हर्ष गोयनका, जो कि ट्विटर पे काफी एक्टिव रहते हैं, इस बार उन्होंने शेयर की है ये तस्वीर और ये तस्वीर अब वायरल हो चुकी है। ये तस्वीर एक बारात की है, घोड़ी पे दूल्हा बैठा हुआ है। तस्वीर में घोड़ी के साथ चल रहे हैं कुछ लाइट वाले, जैसे आम बारातों में चला करते हैं। और इन्हीं लाइट वालों में एक महिला भी दिखाई दे रही है जिसने कंधे पर एक झोला लटकाया हुआ है। इस झोले को गौर से देखिए दोस्तों, इस झोले में उस औरत ने अपने नवजात बच्चे को रखा हुआ है और वो दोनों हाथों से अपने सर पर रखी हुई लाइट को ढो रही है और बारात में इस घोड़ी के पीछे पीछे चल रही है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए हर्ष गोयनका ने ये लिखा है कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन तभी मुझे ये तस्वीर दिखाई दी, इसे मेरा सलाम। और इस तस्वीर पर लोगों के रिएक्शन आने स्टार्ट हुए। कुछ ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, सल्यूट बनता है, और कुछ ने आलोचना भी शुरू कर दी। कई लोगों ने उन्हें कमेंट किया और ये बताया कि ये गर्व की नहीं बहुत ही शर्म की बात। लोगों की अपनी अपनी राय हो सकती है लेकिन इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी और बहुत सारी भावनाएं निकल कर आ जाएंगी। ऐसा लगेगा कि ऐसा हमारे भारत में क्यों है, हमारे समाज में इस तरह की असमानता क्यों नजर आती है। एक महिला जिसे डिलीवरी के बाद आराम लेना चाहिए था लेकिन वो मजबूर है इस तरह काम करने के लिए, वो भी अपने छोटे से नवजात बच्चे को लेकर। असमानता की इस तरह की तस्वीरें बेहद दुखी करने वाली। इस तस्वीर के जरिए हमारे समाज का बहुत ही अमानवीय क्रूर चेहरा सामने आता है। खैर ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये कोई गर्व की नहीं बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे ही भाई बहन, हमारे ही गांव में रहने वाले लोग आज भी असमानता का कैसा दंश झेल रहे हैं, आज भी गरीबी से परेशान है, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपने जीवन को जैसे तैसे जी रहे हैं। दोस्तों आप इस तस्वीर के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो नए रिव्यू में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू।